ट्रैक्टर वर्सेस ट्रैक्टर। तिम्मापुर नाम के गांव में जीवन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत तौर तरीके वाला इंसान था। एक दिन वो ट्रैक्टर के ऊपर जाते समय चिन्ना नाम का एक लड़का सड़क के बीचों बीच चलने लगा। जीवन हॉर्न कितना भी चाहे मारने लगे, वो वैसे ही चलने लगा। जीवन बिना रुके हॉर्न बजाते देख चिन्ना को गुस्सा आकर पीछे घूम कर, ए कौन है रे तू, दिमाग है कि नहीं, इतनी बार क्यों हॉर्न बजा रहा है, कहकर चिल्लाया। जीवन गुस्से में ट्रैक्टर से उतर के नीचे आया। क्या है भाई, क्या है, ऐसा क्या देख रहा है, सड़क पे लोग चलते हैं तो तुझे दिखाई नहीं देता है, क्यों ऐसे बार बार हॉर्न बजाते जा रहा है, क्या तू मुझे बहरा समझ रहा है, तू हॉर्न मारते ही क्या मुझे साइड हो जाना है, इडियट फेलो, कहकर गाली देते वक्त जीवन उसे खींच के थप्पड़ मारा। क्या रे क्यों ऐसा मार रहा है, कहा जीवन फिर से एक थप्पड़ मार के कॉलर पकड़ के। पीटना नहीं रे, तुझे मार डालूंगा। क्या तूने टैक्स भरा है, पूछा। कौन सा टैक्स, क्या बात कर रहे हैं आप, लगान, लगान भरा क्या, मैं पूछ रहा हूँ लगान भरना क्या है सर, लगान क्या लगान, पूछा। इस सड़क पे चलने के लिए क्या तूने टैक्स भरा, क्या सर आप भी, घर का टैक्स भर रहा हूँ, करंट बिल भर रहा हूँ, वाटर बिल भर रहा हूँ, इनकम टैक्स भी भर रहा हूँ, उसके साथ साथ सड़क पे चलने के लिए भी क्या कोई टैक्स भरेगा, पूछा। ए इस सड़क पे ट्रैक्टर चलाने के लिए मैं 1,25,000 टैक्स भरा, वो देख उस रोड पे चलते बस ऑटो कार बाइक सभी टैक्स भर रहे हैं, इसलिए इस सड़क पे घूमने का हक सिर्फ हमें है, तुझे इस सड़क पे घूमने का हक नहीं है, कहा। तो सड़क पे चले बिना क्या हम हवा में उड़ेंगे, नॉनसेंस, कहा। वो हक भी तेरे पास नहीं है रे, क्योंकि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर टैक्स भर के उड़ते हैं, तू टैक्स नहीं भरा इसलिए हवा में भी नहीं उड़ सकता है, कहा। सड़क पे चले बिना हवा में उड़े बिना तो कैसे हम चलेंगे, आप ही बताइए सर, पूछा। गुड क्वेश्चन, तब तुम जैसों को सरकार के बनाए हुए फुटपाथ पे ही चलना होगा, और एक बार सड़क के बीचों बीच चलते हुए दिखाई दिया तो ट्रैक्टर से कुचल दूंगा हलकर साला, तब तेरा हाथ पैर टूट के लंगड़े हो जाएगा, बिना हाथ पैर के तुझे कमाना मुश्किल हो जाएगा, वो देखकर तेरी बीवी बच्चे तुझे छोड़कर चले जाएंगे, तुझे खाना देने वाला जब कोई नहीं होगा तो तू इसी सड़क पे भीख मांग के फिरेगा, तब तू बीमार गिर के कमजोर पड़ के हालात खराब हो के एक दिन बेहोश होकर ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद यमराज तुम्हारे पापों का हिसाब लगाकर तुम्हें तेल में डाल के डीप फ्राई करने के बाद, सर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा फ्यूचर पूरा सिनेमा के रूप में दिखा रहे, आज के बाद कभी सड़क पे नहीं चलूंगा, फुटपाथ पे ही चलूंगा, कहकर सादर नमस्कार करके चला गया। एक दिन जीवन ट्रैक्टर पे कहीं जाते वक्त सड़क के बीचों बीच एक ट्रैक्टर पार्क किया हुआ उसे दिखाई दिया, वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी होने लगा। जीवन आके देखा तो वहाँ पे चिन्ना उसे दिखाई दिया। क्या साहब आप, मैं जानबूझ के इस ट्रैक्टर को ऐसे खड़ा किया, वो ट्रैक्टर डीलर से ट्रैक्टर खरीदने के दूसरे ही दिन खराब हुआ है, दूसरा ट्रैक्टर मांगा तो देने से उसने मना किया, इसके लिए मैंने उसके शॉप को कोई ना जा पाए ऐसे बीच में पार्क किया, ट्रैक्टर को साइड करने का दम किसी में नहीं है सर, कहा। अरे नया ट्रैक्टर अगर रिपेयर हुआ तो तू और तुझे बेचने वाला उसे देखना होगा, ऐसे सड़क के बीच में रखेगा तो पब्लिक को परेशानी होगी, क्या ये तुझे मालूम नहीं है, तू पब्लिक को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है, मालूम पड़ रहा है, क्या बोला, इस गाड़ी को कोई साइड नहीं कर सकता है, अब देख सिनेमा, कहा। बाद में एक रस्सी से उसके ट्रैक्टर से चिन्ना के ट्रैक्टर को बांधा, पब्लिक पूरा क्या होगा ये सोचकर आतुरता से देखने लगे। जीवन उसके ट्रैक्टर से चिन्ना के ट्रैक्टर को साइड कर दिया। वो देख के पब्लिक पूरा खुश होके तालियां बजाने लगे। बाद में जीवन चिन्ना के पास आकर कुछ बोलने जा रहा था। सर आप क्या बोलने जा रहे हैं मुझे मालूम है, मैं ही नहीं मेरा ट्रैक्टर भी आपको इस जन्म में नहीं दिखना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहते है ना, मुझे समझ में आ गया है सर, आपको एक बहुत बड़ा प्रणाम, कहके प्रणाम किया। वेरी गुड, तुम्हें दिमाग ज्यादा है लेकिन कॉमन सेंस बहुत कम है, उसे थोड़ा डेवलप करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। एक गांव में देवराज नाम का एक आदमी था। उसका एक बस था जिसके ड्राइवर का नाम कपिल था। कपिल हर रोज गांव से शहर और वापस बस चलाता था। शाम को दिन का पूरा कलेक्शन देवराज को सौंपकर अपनी दैनिक मजदूरी ले जाता था।
एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के कारण कपिल का बेटा सचिन कपिल के साथ बस के पास आता है। थोड़े प्रयाणी टिकट खरीदकर बस के अंदर बैठने के बजाय बस के ऊपर बैठते हैं। ये देखकर सचिन, पापा ये लोग अंदर के बजाय ऊपर क्यों बैठ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, गांव से शहर जाते वक्त खेत, खूबसूरत फूल, नदी में खेलते हुए मछली जैसे सुंदर नजारे हैं जो उस बस के अंदर से दिखते नहीं हैं, इसीलिए वो लोग ऊपर बैठ रहे हैं। पापा मैं भी बस के ऊपर चढ़कर इस नजारे का आनंद उठाऊंगा। देखो बेटा, बच्चे और बुजुर्ग ऊपर नहीं चढ़ सकते, अगर वो चढ़ भी गए तो ऊपर बैठ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, कहकर उसे अंदर बिठाता है। बस गांव से निकलकर शहर की तरफ जाता है। ऊपर बैठे हुए लोग उन अनेक सुंदर दृश्यों का आनंद उठा रहे थे। पापा ने जो खेत, मछली, कमल के फूल जैसे नजारों के बारे में बताया, वो इस खिड़की से बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। छा। थोड़े दिनों बाद दो लोग बस ओनर देवराज के पास आते हैं। देवराज जी, बैंक लोन के सहारे हम दोनों ने एक एक ऑटो लिया है। गाड़ियों के मामले में आप इस गांव में उस्ताद हो, इसीलिए आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। दो दिन में दोनों ऑटो डिलीवर होंगे। आपके बस बिजनेस की तरह हमारा ऑटो बिजनेस भी बढ़िया चले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ये दोनों बदमाश मेरे ही व्यापार को टक्कर देना चाहते हैं और मुझे ही इनॉग्रेशन करने को बोल रहे हैं। अगर इनके ऑटो चलने लगे तो मेरे पूरे खटारे बस में कोई नहीं चढ़ेगा। कुछ ना कुछ करके इस नुकसान से बचना होगा, सोचता है। भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी ऑटो बिजनेस बढ़िया चले, लेकिन गांव वालों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप ऑटो को ओवरलोड ना करें। सभी सुखी और सुरक्षित रहे, इस सिद्धांत पर व्यापार कीजिए, बहुत पैसे बनाइए और खुश रहिए, कहकर आशीर्वाद देता है। वो दोनों आदमी खुश होकर वहां से निकल जाते हैं। इन दोनों का ऑटो चलने लगा तो मेरे बस में कोई नहीं चढ़ेगा। मैं इस पुराने खटारे बस को अगर किसी को बेचना भी चाहूं तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर इस नुकसान से बचना है तो इस पुराने बस को ड्राइवर कपिल को बेचना पड़ेगा, सोचकर एक प्लान बनाता है। तुरंत देवराज कपिल से, देखो कपिल, इस व्यापार को चलाने के लिए अब मेरी उम्र नहीं रही। 15 साल से तुम मेरे बस को चला रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस बस का ओनर बनाना चाहता हूँ। ये बस खरीद कर तुम खुशी खुशी व्यापार करो, तुम ही बस चलाओगे इसीलिए तुम्हारा मुनाफा भी ज्यादा होगा। कपिल यजमान बनने के इस संभावना से बहुत खुश होकर अपना खेत बेचकर बस खरीद लेता है। हर रोज की तरह अगले दिन कपिल अपने बस को बस स्टॉप पर रोककर पैसेंजर्स का इंतजार करता है। इतने में दोनों नए ऑटो बस स्टॉप के पास आते हैं। पैसेंजर्स नए ऑटो को देखकर उनसे आकर्षित होकर बस के बजाय उनमें बैठने लगते हैं। दोनों ऑटो शहर के लिए निकल जाते हैं। कपिल शाम तक बस स्टॉप के पास इंतजार करता है, लेकिन कोई पैसेंजर बस में नहीं चढ़ता। तब एक ऑटो वाला, कपिल भाई, वो देवराज बहुत बदमाश है, हमारे ऑटो के बारे में उसको पता था, इसीलिए उसने इस बस को तुम्हें बेच दिया। 15 साल काम करने के बावजूद उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं अब कहां जाऊं, सोचकर दुखी होता है। ये बातें सुनकर सचिन, पापा वो लोग ऑटो इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ वैरायटी दिख रहा है, इसलिए आप हमारे पुराने बस को एक नया बस बना दीजिए। इतना ही नहीं, अगर हमारे बस को ट्रैक्टर जितना टायर लगा दे वो बस का हाइट बढ़ेगा और अंदर बैठे हुए बच्चे और बुजुर्ग भी बाहर का सुंदर नजारा देख पाएंगे, इससे सभी खुशी खुशी हमारे बस में सफर करेंगे। आइडिया पसंद आने पर कपिल उन बस पे ट्रैक्टर के टायर लगा देता है, जिससे वो अब बिग फुट बस बन जाता है। इस बिग फुट बस से आकर्षित होकर पैसेंजर्स उसमें चढ़ने लगते हैं। कपिल खुशी से उसको ड्राइव करने लगता है। बस का हाइट ज्यादा होने के कारण सारे पैसेंजर्स बाहर के खेत, मछलियाँ, कमल के फूल जैसे सुंदर नजारों को देख पाते हैं। एक पैसेंजर, कपिल भाई, इतने सालों से तुम्हारे बस से जो नजारा देख नहीं पाए, आज वो नजारा बहुत बढ़िया दिख रहा है। हम लोगों ने सिर्फ
टिकट के पैसे दिए थे, लेकिन बोनस में तुम तो पिकनिक का आनंद भी दे रहे हो। बहुत शुक्रिया कपिल भाई। वैसे सभी गांव वाले बिगफुट बस में ही सफर करना पसंद करने लगे, जिस वजह से दोनों ऑटो शहर शिफ्ट हो जाते हैं। अपने पुराने बस को बिगफुट बस में बदलकर बहुत पैसा कमाने वाले कपिल के बारे में सुनकर सभी को सुखी और सुरक्षित होना चाहिए, ये मैंने सिर्फ कहा था लेकिन कभी उसका पालन नहीं किया। इसीलिए जिंदगी भर कमा कर देने वाले बस को और कपिल जैसे ईमानदार ड्राइवर को मैंने खो दिया है, सोचकर वो बेहोश हो जाता है। एक गांव में तनवीर नाम का एक ट्रक वाला रहता था। तनवीर बहुत लालची था। तनवीर कभी भी उसके ट्रक में ओवरलोड लेकर जाता था। उतना ही नहीं, उस लोड के ऊपर भी लोगों को बिठाकर ले जाता था। ऐसे ही तनवीर उस गांव में कोई भी दूसरा ट्रक वाला आया तो लोड डाला तो उसका टायर पंचर करके और उसके बाद वो लोड अपने ट्रक में डालकर ले जाता था। ऐसा करके तनवीर ने बहुत पैसा कमाया। एक दिन तनवीर की पत्नी चारू, दिन ब दिन आपको पैसे का लालच ज्यादा हो गया है जी। बच्चों का स्कूल बस मना कर दिए, ट्रक में स्कूल नहीं जाएंगे कहकर वो दोनों रो रहे हैं। वैसे भी आपके ट्रक में एक इंच का भी जगह नहीं होता है, बच्चों को कहाँ पे बिठाएंगे? मेरे गोद में बिठाऊंगा, तुझे कुछ प्रॉब्लम है? मेरा ट्रक अक्षय पात्र जैसा है, जितना भी भरो उसमें जगह ही जगह रहता है। ये पूरे गांव की आबादी को एक उंगली में घुमाती है। मेरा ट्रक के बारे में क्या सोचती हो तुम? देखती जाओ, मैं इस ट्रक से और कितने लाखों कमाऊंगा तुम ही देखोगे। ठीक है जाकर तैयार हो जाओ, सिनेमा जाएंगे। आपके ट्रक में सिनेमा देखने जाऊं? मैं मरूंगी, तभी भी नहीं आऊंगी, कहकर चली गई। एक दिन तनवीर एक रेलवे गेट के पास आकर रुका। वहां पर कुछ दूरी पे पटरी के पास कुछ गुड्स बोगियां थे। नीचे उतरकर उस गेट के वॉचमैन से, सरदार भाई, कब से सोच रहा था कि आपसे पूछूं, गुड्स बोगियां तो 2 सालों से यहीं पे पड़ा है, उस पटरी पे ट्रेन चलती है या नहीं? रेलवे वाले मोटर ग्रेज पटरी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं भाई, अभी ब्रॉड ग्रेज पटरी आए हैं ना, तभी तो गुड्स बोगियां काम नहीं करेंगे सोचकर वहीं पे रख दिए। तो ये पटरी कहां तक जाएगी, रोड कहां तक जाएगा ये बता सकते हैं? पटरियां कहां तक जाएंगी कैसे बता सकते हैं भाई? वो कहां पर भी जा सकता है, मुंबई जा सकती है, दिल्ली जा सकती है, किसको मालूम। तभी तनवीर के दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। तुरंत उस गांव के सभी लोगों से जाकर मिलकर उनको इकट्ठा करके उनसे, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। कल आने वाला संक्रांति त्योहार में आप सबका फसल एक साथ आने वाला है ना, उन्हें शहर के मिल में ले जाने के लिए कम से कम 100 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। एक एक ट्रक को 5,000 के हिसाब से आपको 5 लाख का खर्चा आएगा, इसलिए आप 100 ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट मुझे देंगे तो मैं आपको 3 लाख रुपए में ही शहर पहुंचा दूंगा। बेटा, तुमने जो कहा वो अच्छा है, पर तुम्हारे अकेले के ट्रक में इतनी सारी बोरियां कैसे लेकर जाओगे, और उतना ट्रिप डालोगे तो हमारा बहुत समय बर्बाद होगा ना। मैं उतना ट्रिप नहीं डालूंगा चाचा, मैं एक ही ट्रिप में आपको लोड शहर पहुंचा दूंगा, आपको समय पे ही सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सभी लोग ठीक है कहकर बोले। बाद में तनवीर ने अपने ट्रक के टायर को निकलवा के ट्रेन के चक्के लगवाया। उस ट्रक को ले जाकर गुड्स बोगियों के साथ जाकर अटैच करवाया। वो सारे फसल को उस बोगियों में चढ़वाया। वो उस पटरी के ऊपर उस ट्रेन को चलाते हुए लेकर गया। आखिर ये पटरी बीदर तक जाएगी या नहीं जाएगी? अरे क्यों नहीं जाएगी, जाने का डायरेक्शन तो ठीक है, वैसे मन में वो सोचा। कुछ देर बाद वो ट्रेन ट्रक जंगल के ओर गई। वो जंगल के ओर जाते वक्त जंगल के बीचों बीच जाते ही पटरी खत्म हो गई। तनवीर वो देखकर चौंक गया, बाप रे ये क्या, पटरी तो यहाँ तक ही है। उतने में बाघ और शेर ने आके ट्रक के चारों ओर घेरा बांध दिए। तनवीर डर के मारे ट्रक में ही बैठा रहा। वैसे ही 2 दिन गुजर गए। एक किसान तनवीर को फोन किया, क्या है भाई, अनाज को लेकर गए 2 दिन हो गए, अभी तक मिल में पहुंचा नहीं है, कहां पर मर गया तू?
साहब, घने जंगल में शेर और बाघ के बीच फंसा हुआ हूँ साहब, आप लोग मुझे कृपया बचाइए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कहकर घटी सारी बातें उसे बताया। उसके बाद किसान सभी आकर बाघ और शेर को वहां से भगाकर तनवीर को ट्रक से नीचे उतारे। अरे बेवकूफ, तुम्हारे लालच के वजह से हमारा पूरा फसल यहाँ जंगल में फंस गया है, इन्हें अब मिल तक लेकर जाना है तो 20 लाख खर्चा होगा, वो पूरा पैसा तुझे ही भरना होगा। तनवीर चौंक गया। बाद में गुड्स बोगियां चोरी करने के आरोप में पुलिस ने तनवीर को जेल में भर्ती किए। मैजिकल ब्रोकन ट्रेन। एक गांव में रघु नाम का एम्बुलेंस ड्राइवर रहता था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था। उसी गांव में कौशिक नाम का ट्रेन ड्राइवर रहता था, वो बहुत ही घमंडी था। हरदम कौशिक उस गांव के ट्रेन क्रॉसिंग के पास टी पीने के लिए ट्रेन को उस क्रॉसिंग के पास रोक देता था। एक बार रघु एम्बुलेंस में शहर जाने के लिए निकला तो ट्रेन क्रॉसिंग के पास आया, वहाँ कौशिक ट्रेन को रोक कर टी पी रहा था। ये क्या, ट्रेन क्रॉसिंग के पास ट्रेन रुका हुआ है? सोचकर कौशिक के पास आकर, भाई ट्रेन क्यों रुका है भाई? ट्रेन ड्राइवर को सरदर्द हो रहा है रे, टी पीने के लिए गाड़ी रोक दिया है। मजाक मत करो भाई, ऐसे नालायक ड्राइवर कहीं रहते हैं क्या? बताओ क्यों रे, नालायक है क्या? क्या बस ड्राइवर बस रोककर चाय नहीं पीते क्या? लॉरी ड्राइवर लॉरी रोककर टी नहीं पीते क्या? ट्रेन ड्राइवर ट्रेन रोककर टी पिए तो क्या गलती है रे? ऐसे कैसे भाई, क्या पायलट्स भी आसमान में प्लेन रोककर टी पीते हैं क्या? कोई पागल ही ऐसे काम करता है। रे वो ड्राइवर मैं ही हूँ रे, तुम मुझे पागल कहोगे क्या? रघु तब दंग रह गया। क्या भाई, वो तुम ही हो जो ट्रेन रोककर टी पी रहे हो? मेरी मर्जी है रे, तू कौन होता है पूछने वाला, कहकर टी पी कर ट्रेन स्टार्ट करके चला गया। और एक बार कौशिक ऐसे ही ट्रेन को रोक कर टी पी रहा था तो रघु फिर से उसके पास आकर, ये क्या भाई, ट्रेन को फिर से रोका? ये ट्रेन में डीजल खत्म हो गया रे, इसलिए रोका है मैंने, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो क्या भाई, ये इलेक्ट्रिक इंजन है ना? ओ ऐसा क्या, तो करंट गया रे। ऐसे कौशिक बहुत बार ट्रेन को रोक कर टी पी रहा था। एक बार रघु ऐसे ही जा रहा था तो एकदम से एक बूढ़ी औरत सर चकराकर नीचे गिर गई। तुरंत रघु उस बूढ़ी औरत को एम्बुलेंस में चढ़ाकर उसकी प्राथमिक चिकित्सा किया। दादी माँ ये ग्लूकोज पानी पियो, कहकर वो बूढ़ी औरत को ग्लूकोज पानी पिलाया। वो बूढ़ी पानी पीकर, हाँ बहुत अच्छा लगा बेटा, सही वक्त पर आकर तुमने मुझे बचाया है। क्या बचाना है दादी, शहर जाकर बहुत लोगों को बचाने का सोच रहा था, लेकिन एक है जो ट्रेन को रोककर टी पीता रहता है, कैसे उसे समझाना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बूढ़ी तब हंसते हुए, बस उतना ही ना, ठीक है मुझे उसके पास लेकर जाओ। ऐसे दोनों वहाँ निकल पड़े। हरदम की तरह कौशिक ट्रेन को क्रॉसिंग के पास रोककर टी पी रहा था। रघु और बूढ़ी वहाँ पर आए। बूढ़ी तब कौशिक के पास आकर, बेटा तुमने ट्रेन को क्यों रोका, जल्दी से इसे निकालो ना, हमें शहर जाना है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, मैं टी पी रहा हूँ, पीने के बाद निकालूंगा। बूढ़ी तब उसे बहुत समझाने पर भी वो नहीं सुनने के कारण उसे गुस्सा आया। बूढ़ी उस ट्रेन की तरफ मुड़कर, चिन्नी बटर कॉर्न बटर नान, बस एकदम से वो ट्रेन दो में बट गया। बेटा तुम अब खुशी से टी पीते हुए एंजॉय करना, तुम जितना देर चाहो उतना देर पियो, बाय बाय सी यू, कहकर रघु और बूढ़ी एम्बुलेंस में ट्रेन के बीच में से चले गए। ये क्या है भगवान, ट्रेन ऐसे दो में बट गया, अब इसे कैसे चिपकाना होगा? मेरे ऊपरी अधिकारी, मैंने ट्रेन यहाँ क्यों रोका है पूछे तो मैं क्या समाधान दूंगा? ये क्या, मैं ऐसे बुक हो गया, कहकर सोच रहा था। इतने में रेलवे इंस्पेक्टर वहाँ आकर उसकी पूरी तहकीकत करके कौशिक को ले जाकर जेल में डाले।